देखिए, यहाँ से महासागरीय जल के तापमान की बात करेंगे। महासागरीय जल का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है ना। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे, ठीक ना। महासागरीय जल के तापमान का अर्थ है कि जो समुद्रों का जल है, महासागरों का जो जल है, उस वो कितनी ऊष्मा अपने अंदर धारण किए हुए हैं, उसका ताप क्या है। उसके कई कारक हैं, कई पहलू हैं, और हर एक कारक को, हर एक पहलू को समझेंगे यहाँ पर, ठीक ना। समझिए, देखिए, महासागरीय जल, महासागरीय जल का जो तापमान है उसको निर्धारित करने वाले कई कारक हैं, ठीक ना। कई कारकों से महासागरीय जल का तापमान निर्धारित होता है, और इसको फिर अलग अलग चीज़ों से हम लोग देखेंगे। जैसे पहला इसमें है अक्षांश, ठीक ना। देखिए, अगर हम एक पृथ्वी को बना करके ऐसे देखें, 0 डिग्री है ये इलाका, जो 0 डिग्री के आसपास होता है इसको निम्न अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उसके ऊपर के जो इलाके हैं वो मध्य अक्षांशों के नाम से जाने जाते हैं, और उसके जो नीचे के जो इलाका है इतना, ये जो है उच्च अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, समझिएगा बात को, क्योंकि बार बार ये टर्म यूज किए जाएंगे तो इसको जानना जरूरी है, ठीक ना। तो विषुवत रेखा के आसपास का जो अक्षांश है ना, लगभग 23 डिग्री तक का, इसको हम निम्न अक्षांशों के नाम से जानते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा उसके बाद का यहाँ तक का जो इलाका होता है वो मध्य अक्षांशों के नाम से जानते हैं, जो शीतोष्ण या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और जो आर्कटिक वृत्त होता है, 66.5 डिग्री के बाद का इलाका उच्च अक्षांशों के नाम से जाना जाता है। उच्च का मतलब जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, उस बात को यहाँ बता रहे हैं। देखिए, तो महासागरीय जल का तापमान है अक्षांशों पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, सीधी। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर एकदम लंबवत सीधी पड़ती हैं, तो इधर का जो इलाका होगा, ये वाला, ये ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। तो इन इलाकों का जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा। यहाँ पर हम अगर हम रिलेटिव की बात करें तो किसकी अपेक्षा, ध्रुवों की अपेक्षा, ठीक ना। कई कारक हैं, उन कारकों को ध्यान से समझना है। विषुवत रेखा पर जो निम्न अक्षांशों का तापमान होता है वो अधिक होता है किसकी अपेक्षा, उच्च अक्षांशों की अपेक्षा। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे निम्न अक्षांश से हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, महासागरीय जल का तापमान घटता चला जाता है, कम होता चला जाता है। क्लियर। दूसरी बात, अक्षांश ये हो गया, है ना। उसके बाद पवन प्रवाह, पवन प्रवाह भी एक कारक है जो महासागरीय जल के तापमान को निर्धारित करता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो यहाँ पर भारत की स्थिति है और ये पूरा हिंद महासागर है। अगर स्थल खंड से समुद्र की तरफ पवन का प्रवाह हो, जिसको कि हम स्थल समीर कहते हैं, अगर स्थल खंड से समुद्र की तरफ हवा चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान समुद्र का जो तापमान होगा सतह का, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्थल खंड से समुद्र की तरफ गर्म हवा चलती है, ठीक ना। तो स्थल खंडों से अगर पानी समुद्र की तरफ हवा का प्रवाह हो रहा है, पवन प्रवाह हो रहा है, तो उससे क्या होगा, सतह का तापमान बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा तीसरी बात क्या है, वर्षा। भाई, वर्षा का जल देखिए ठंडा होता है। हम कह रहे हैं किसी इलाके में अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो वहाँ का जो तापमान होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ठंडा पानी उसमें मिल जाएगा ना। समझिए, यही कारण है कि निम्न अक्षांशों पर, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के महासागरीय जल का तापमान क्या होता है,
कम होता है, और मध्य अक्षांशों में महासागरीय तल का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अभी हमने बताया कि देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ का तापमान महासागरीय जल का उच्च होता है, ठीक। लेकिन हमने कहा कि कई कारक है, सिर्फ एक ही कारक से हम उसको निर्धारित थोड़ी कर सकते हैं, एक ही कारक से हम उसको थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ ये बात ऐसे है, ये बात ऐसी है, ये तो गलत है, है ना। जैसे लोग होते हैं, लोगों में भी कई क्वालिटी होती हैं, तो किसी एक क्वालिटी को देख के आप थोड़ी बता सकते हैं कि ये बात है ना। गांधी जी को अच्छा भी कहा जाता है, बुरा भी, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, तो कई कारण हैं, है ना। कुछ लोगों को उनकी अहिंसा शांति की बातें पसंद आती हैं, तो वो लोग उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं उनको, ठीक। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, गांधी जी ने मुसलमानों को देश में रहने के लिए कह दिया, इसलिए वो उनको ख़राब मानते हैं। तो कई पहलू होते हैं जानने के, तो यहाँ हमें सभी पहलुओं का विश्लेषण करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। विषुवतरेखीय प्रदेश में, भूमध्यरेखीय प्रदेश में क्या होता है कि बारिश अधिक होने की वजह से, है ना, बारिश का ठंडा जल इसमें मिल जाता है और यहाँ का तापमान सामान्य रूप से कम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और जानिएगा, विषुवतरेखीय प्रदेश में वाष्पीकरण पानी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तापांतर की भी हम यहाँ बात करेंगे, अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और कारक हो सकता है, जैसे समुद्र की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है कि मान लीजिए कि, या इसका तट का प्रकार, है ना। समुद्र की क्या प्रकृति है, वो भूमि से तो नहीं घिरा है, अगर भूमि से घिरा होगा तो सामान्य रूप से, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर स्थल आबद्ध होगा तो स्थलखंड का उस पर प्रभाव पड़ेगा, और स्थलखंड का जब उस पर प्रभाव पड़ेगा तो जो स्थलबद्ध समुद्र होते हैं उनका जो तापमान होता है महासागरीय जल का, वो ऊंचा रहता है। यही कारण है ना, एक कारण तो वर्षा हो गया, एक कारण ये भी है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, है ना, स्थलाबद्ध महासागर बहुत कम है, है ना, नहीं है। लेकिन इस इलाके में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में, जो महासागरों से संबंध छोटे छोटे जो सागर होते हैं उनका तापमान अधिक होता है। तो समुद्र की जो प्रकृति होती है ये भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती है। प्रकृति कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्थल आबद्ध होगा, है ना, जैसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यहाँ पर जो फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, उसका तापमान अधिक होता है स्थल आबद्ध होने के कारण, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ में और नोट कर लेना, नदियों द्वारा जल की आपूर्ति। देखिए कभी कभी ना ये उल्टा होता है, ऐसा मत समझना लवड़ता की तरह, नदियों द्वारा जब जल की आपूर्ति होती है तो भी महासागरीय जल का तापमान उस हिस्से में बढ़ जाता है, ठीक ना, क्योंकि नदियों का जल सामान्यतः सागरों के जल से गर्म होता है, इसलिए वह जब जाती हैं तो सागरों के मुहाने पर, तो अपने मुहाने पर सागरों को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, ठीक। ये तो महासागरीय जल के तापमान को निर्धारित करने वाले कारक हो गए, ठीक। अगर हम ये कहें कि ऊष्मा की प्राप्ति कैसे होती है, तो ऊष्मा की प्राप्ति के मुख्य रूप से सिर्फ दो कारण हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो है सूर्यातप, है ना, इंसोलेशन, एक तो सूर्यातप है, और दूसरा क्या है, पृथ्वी का आंतरिक तापमान, ठीक। तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे महासागरीय जल को ताप की प्राप्ति होती है। पहला सूर्यातप, है ना, सूर्य से आने वाली ऊष्मा सीधे क्या करती है कि महासागरीय जल को गर्म करती है। दूसरी बात क्या है, पृथ्वी का
आंतरिक तापमान, देखिए पृथ्वी का जो कोर है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो पृथ्वी के अंदर भी अपनी क्या है, गर्मी है, ठीक। तो वो भी क्या करती है, बैक रेडिएशन के माध्यम से, है ना, विकिरण के माध्यम से उसका तापमान क्या होता है पृथ्वी के, भाई देखिए पृथ्वी की ये बॉडी, ये अंदर बिल्कुल गर्म है, तो बहुत अंदर इसकी गर्मी है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में तो ये भी सतह को प्रभावित करेगा, इसकी वजह से भी महासागरीय जल का तापमान बढ़ता है, ताप उसको प्राप्त होता है। तो ताप दो रीजन से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, एक है सूर्याताप और एक है पृथ्वी का आंतरिक तापमान, ये भी महासागरीय जल को गर्म करता है। कारक हमने आपको बता दिए, ठीक। अब यहाँ बात करेंगे हम दैनिक तापांतर की। कुछ टर्म्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको नोट करना है, दैनिक तापांतर, ठीक ना। तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर, ताप में अंतर, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम तापमान कितना था और न्यूनतम तापमान कितना था दिन का, 24 घंटे का, 24 घंटे में किसी महासागर का अधिकतम तापमान कितना था और न्यूनतम तापमान कितना था, इस बात की यहाँ पे चर्चा होगी, ठीक ना। बात समझ में आ रही है, ठीक। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे अधिकतम तापमान कब नोट किया जाता है दिन का, ठीक ना, कितने बजे अधिकतम तापमान दिन का महासागरों में नोट किया जाता है, ठीक, और न्यूनतम कब अंकित किया जाता है, तो सुबह सुबह 5 बजे, है ना, प्रातः 5 बजे कौन सा तापमान नोट होता है इसका, न्यूनतम, प्रातः 5 बजे न्यूनतम नोट किया जाता है, और सायं 2 बजे समुद्री जल का तापमान अधिकतम नोट किया जाता है। ये दोनों आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक ना। प्रातः 5 बजे न्यूनतम तापमान नोट करते हैं सुबह में, और शाम को 2 बजे क्या होता है, अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है, ठीक। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे ये अगर सतह हो गया महासागर का, तो सतह का जो तापांतर होता है, तापांतर मतलब ताप में अंतर, तो सतह का जो तापांतर होता है वह 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम ही होता है, सतह का जो तापांतर होता है वह 1 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे कम होता है, क्लियर, लगभग नगण्य हम मान सकते हैं। लेकिन इसके नीचे बढ़ने पर जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाती है ना, इसका तापमान लगातार क्या होता है, कम होता है, घटता चला जाता है। कितना होता है तो नोट कर लीजिए, 60 डिग्री अगर गहराई की बात करें, ठीक ना, अगर गहराई की बात करें तो 1000 मीटर नीचे जाने पे, 1000 मीटर जाने पे इसका तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, 1.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। एक और चीज़ यहाँ से नोट कर लो, 200 मीटर तापमान पे 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है, 200 मीटर समुद्र में नीचे समुद्री जल का तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक, हाँ ये बात समझिएगा। और 1000 मीटर, 1000 मीटर नहीं, 1000 फीट है, 1000 फीट के आसपास है, हाँ 1000 फीट नीचे चले जाने पे 1.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है समुद्र में। जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे समुद्र का तापमान हमें कम मिलता चला जाएगा, ठीक ना। अगर हम क्षैतिज रूप से इसकी बात करें, मतलब अक्षांशों को अगर हम देखते हुए बात करें कि अक्षांशों पर कितना होता है, उसके बाद कितना, उसके बाद कितना होता है, ठीक ना, तो दोनों तरफ अक्षांशों पर जो है 60 डिग्री अक्षांश पर समुद्र का जो तापमान होता है समुद्री सतह का, वो 1 डिग्री सेल्सियस ही पाया जाता है 60 डिग्री अक्षांश पे, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से और आएगा, देखिए महासागर सबसे ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में है, महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध के महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है या उत्तरी गोलार्ध के महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है, तो आपका उत्तर होगा कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरीय जल का तापमान कम होता है और उत्तरी गोलार्ध के
महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है। कारण क्या है समझिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले तो भूमि ज़्यादा है, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जलखंड कम है, तो कम जलखंड है, कम जलखंड है तो ज़्यादा एनर्जी कम को प्राप्त हो रही है, तो वो ज़्यादा ना गर्म होगा। और ज़्यादा जल है, सूर्य तक उसको मिल रहा है लेकिन सब में बांटा जा रहा है, तो उसका तापमान सामान्य रूप से कम ही रह जाएगा। भाई अब बताइए, किसी गिलास का पानी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा कि बाल्टी का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? गिलास का। तो पानी उत्तरी गोलार्ध में कम है तो क्या करेगा, उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है, दक्षिण गोलार्ध के महासागरीय जल का तापमान कम होता है। ठीक, ये हो गया दैनिक तापमान। तर हमने आपको बता दिया प्रातः 5 बजे न्यूनतम और शाम 2 बजे अधिकतम। इसी तरीके से अगर हम वार्षिक तापांतर की बात करें, वार्षिक तापांतर में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस का। किसी साल में इतना कम हो जाएगा, किसी साल में इतना अधिक हो जाएगा, इतना ही जानिए आप, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, इसके अलावा कुछ और बातें होती हैं, वो बातें क्या हैं समझिए। अगस्त के महीने में तापमान सर्वाधिक अंकित किया जाता है, ये दैनिक तापांतर की रोज़ की बात चल रही थी। वार्षिक तापमान की अगर बात करें तो अगस्त महीने में सर्वाधिक तापमान नोट किया जाता है, मतलब सर्वाधिक जल कब गर्म हो जाता है, अगस्त माह में, और सर्वाधिक कम कब होता है, फरवरी माह में। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको, अगस्त में अधिकतम और फरवरी माह में न्यूनतम तापमान नोट करते हैं। क्लियर है? अगर टोटल महासागरीय जल के औसत तापमान की बात करें, सतह की बात ना करें, उसकी गहराई की बात ना करें, अगर औसत रूप से पूछा जाए कि औसत रूप से समुद्री जल का तापमान कितना होता है, तो औसत रूप से नोट कर लीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत रूप से समुद्री जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना, अच्छा पृथ्वी का तापमान औसत कितना है बताया था हमने, 15 डिग्री सेल्सियस। संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केवल महासागरीय जल की बात करें कि महासागरों का औसत तापमान कितना है, तो वो आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, इसको आप क्या करना है, नोट कर लेना है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर हम अयनवर्ती प्रदेशों की बात करें, अयनवर्ती प्रदेशों का मतलब शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में जब सूर्य तप का प्रभाव पड़ता है, जब प्रकाश पड़ता है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? ठीक है, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो ये नोट करिएगा, ये लगभग 140 सेंटीमीटर पर ईयर ये होता है विषुवत रेखा पर। ठीक ना, ये होता है विषुवत रेखा पर। उससे नीचे जब हम बढ़ते हैं, मतलब एक साल में 180 सेंटीमीटर लगभग समुद्र के पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। बहुत ज़्यादा है ये, ठीक ना, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि फिर बारिश भी हो जाती है। ठीक ना, लेकिन ये काउंट किया गया है। अयनवर्ती प्रदेशों में 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक ना, नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती रहती है। क्लियर, तो ये 2 बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक ना, ये सारी बातें हैं, आपसे एग्ज़ाम में यहाँ तक पूछ लेगा, इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ से आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक ना, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट और हैं समझिए, जो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए उससे संबंधित, तो आप स्वयं बता सकते हैं। पहली बात क्या, महाद्वीपों महासागरों की आकृति एक समान नहीं है, तो उसमें पाया जाने वाला तापमान भी एक समान नहीं होगा। ठीक, किसी महाद्वीप में लवणता ज़्यादा है, किसी महाद्वीप में लवणता कम है, तो तापमान लवणता पर भी निर्भर करता है ना। किसी महासागर का घनत्व ज़्यादा है, किसी महासागर का घनत्व कम है,
घनत्व का तापमान से सीधा संबंध है। तापमान ज़्यादा होगा, पानी गर्म होगा तो घनत्व कम होगा, तापमान अगर कम होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक, समझिए। इसके अलावा विभिन्न महासागरों में पानी का आयतन भी अलग अलग है, विभिन्न महासागरों में अलग अलग प्रकार की हवाएं भी चलती हैं, विभिन्न महासागर में अलग अलग प्रकार की जलधाराएं भी चलती हैं। ठंडी जलधारा चलेगी तो उस पूरे इलाके का तापमान क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। या ठंडा पवन प्रवाह ऊपर से हो रहा है तो उस इलाके का तापमान क्या होगा? ठंडा होगा, लगभग ठंडा करेगा उसको। इसके अलावा जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ेंगे, कहीं पर कटक है, कहीं पर गर्त है, कहीं पर गुयाट है ना। गुयाट क्या होता है, अगर नया लग रहा हो तो समझिए, ये पानी है ऊपर वाला और कोई पहाड़ी का सपाट शीर्ष है, मतलब पहाड़ी के जो शीर्ष है वो पानी के अंदर क्या है, ये सपाट रूप से है, निकला हुआ नहीं है, तो ये क्या है, इसी को गुयाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुयाट बोलते हैं, है ना। अच्छा समझिए, अगर यही थोड़ा सा पानी से ऊपर निकला होता, सपाट होता, तो हम इसको द्वीप कहते, लेकिन पानी के अंदर है तो ये क्या बोला जाता है? गुयाट बोला जाता है। कोई पहाड़ी टाइप का इलाका अगर पानी के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे? कटक बोलेंगे। जो जिसका शीर्ष सपाट नहीं होता, शीर्ष अगर सपाट हो जाएगा तो उसको गुयाट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ जानते हो, तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों में जलधाराएँ भी लिख लीजिएगा, जो अभी हमने आपको बताया। जलधाराएँ भी क्या करती हैं? तापमान को निर्धारित करती है कमी किसी न किसी हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही तापमान के बारे में। अच्छा, तीन प्रमुख महासागर हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इन तीनों महासागरों की अगर बात करें तो इन तीनों में सापेक्षिक रूप से कौन सा महासागर के जल का तापमान ज़्यादा गर्म है? तो हिंद महासागर के जल का तापमान अधिक है अन्य दोनों तीनों महासागरों की अपेक्षा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंद महासागर के जल का औसत तापमान बाकी तीनों चारों महासागरों के जल के औसत तापमान से अधिक होता है, ठीक है। ये सारी बातें रही महासागरीय जल के तापमान के बारे में। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम लोग फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बाकायदे एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जल्दी ये ख़त्म भी आपका हो जाए।